ये छोटा सा लॉयन अपने परिवार से बिछड़ गया है और अब ये अफ्रीका के जंगलों में इतने खतरनाक शिकारियों के बीच अकेला फंस गया है। लेकिन अब देखना यही है कि क्या ये कब, जिसका नाम है मिसफिट, वो अपने परिवार से दोबारा कभी मिल भी पाएगा या नहीं। अकेला और खोया हुआ मिसफिट इधर उधर भटक रहा है, लेकिन अभी अपने फैमिली को ढूंढने के लिए आवाजें करना सही नहीं होगा, क्योंकि इसे दूसरे खतरनाक जानवर भी सुन सकते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी हिप्पोस भी लॉयन कब्स को मार देते हैं। छोटा सा मिसफिट घबरा नहीं रहा है, क्योंकि उसे तो पहले से ही अकेले रहने की आदत है। लेकिन फिर भी अगर वो अकेला रहा तो वो जिंदा नहीं बच पाएगा। कुछ देर चलते चलते मिसफिट इम्पाला और कुकू के झुंड के बहुत करीब चला गया है। अब तो सही यही होगा कि मिसफिट यहाँ दूसरे शिकारी जानवरों से किसी तरह से छुप कर रहे। यहीं पास ही शांत कलाकारों में से एक डरपोक सवाना खरगोश भी मौजूद है, और उसके पास ही मोंगूस के कजन कहे जाने वाले मस्की जेनेट भी हैं, लेकिन दोनों से ही कई गुना खतरनाक पड़ोसी लेपर्ड भी इस एरिया में आ चुकी है। लॉयंस और लेपर्ड के बीच सदियों से कट्टर दुश्मनी चलते आ रही है, और दोनों ही मौका मिलने पे एक दूसरे के कब्स को मारने से पीछे नहीं हटते। कुछ ही देर में लेपर्ड ने मिसफिट को देख लिया। उसे देखकर मिसफिट बहुत डर गया है। उसका शरीर बिल्कुल सुन्न हो गया है। अब उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। 20 गज की दूरी पर मौजूद लेपर्ड उसे कब से घूर रही है। लेकिन फिर कहीं से एक हिप्पो उन दोनों के बीच में आ गया और उसने लेपर्ड को खदेड़कर भगा दिया। आज एक हिप्पो ने एक लॉयन कब की जान बचाई थी। मिसफिट अब थोड़ा सेफ है। उधर इसके टीनेजर्स भाई बहनों का खाना हाइनास ने चुरा लिया था, और अब वो शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी कोई हंटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, बस शिकार के पीछे दौड़ो और उन्हें पकड़ो। तभी अचानक से टीनेजर्स की नजर एक लॉयन कब पे गई। ये तो मिसफिट ही है। आखिरकार उसे अपने परिवार वालों में से कोई तो मिला। टीनेजर्स मेन प्राइड से थोड़ी दूरी पर मौजूद थे और वो मिसफिट के साथ बहुत रफली खेल रहे थे। अब तो ऐसा लग रहा है कि मिसफिट यहाँ पहले से ज्यादा खतरे में है। लगता है टीनेजर्स हाइनास से हार की फ्रस्ट्रेशन भी उसी बेचारे पे उतार रहे थे। मिसफिट को भूख भी लगी थी और वो दूध भी पीना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। अब तो वो बस यहाँ से जल्द भागना चाहता है। इधर मिसफिट की मदर भी उसे ढूंढ रही थी, और बहुत देर तक उसे ढूंढने के बाद आखिरकार वो उस जगह पे आ ही गई जहाँ मिसफिट टीनेजर्स के बीच में फंसा हुआ था। अपनी माँ को देखते ही मिसफिट तुरंत भाग कर उनके पास चला गया, और अब मिसफिट पूरी तरह से सेफ था, क्योंकि उसकी माँ ने उत्तन टीनेजर्स को डरा कर भगा दिया था। बहुत कम ही कब्स ऐसे रात के बाद जिंदा बच सकते थे, लेकिन इस छोटे से मिसफिट में कुछ तो ऐसा है जो ये हर बाधाओं से बाहर निकल जाता है। लेकिन अब देखना तो ये है कि इसकी जिंदगी में आगे क्या क्या होने वाला है, और आगे कौन कौन सी नई मुसीबतें इसका इंतजार कर रही हैं। तो दोस्तों, मैं मिसफिट पे आगे और भी वीडियोस लाऊंगा, और आगे उसके साथ क्या क्या होता है ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपने मिसफिट की पिछली दो वीडियोस नहीं देखी है तो इन वीडियोस पे क्लिक करके आप उन्हें भी देख सकते हैं।